तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब इलेक्शन अपडेट का वक्त आ गया है। एक बजे तक कितने लोगों ने मतदान किया वो जान लेने की जरूरत है। अब हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि कितना परसेंटेज वोटिंग हुई है और उसे कितना आगे तक पहुंचाने की जरूरत है। एक बजे तक की वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए 40.09%, ये ओवरऑल वोटिंग की हम बात कर रहे हैं। हालांकि आंकड़े और बढ़ेंगे, लेकिन एक बजे तक के आंकड़ों की बात कर ली जाए 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। राज्यवार भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आंकड़े अब तक आ चुके हैं। एक बजे तक के वोटिंग की बात कर ली जाए 40% से ऊपर ही आंकड़ा पहुंच चुका है। बिहार में 35.65% वोटिंग अब तक हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 48.63% वोटिंग हुई है। झारखंड में 46.80% वोटिंग। ओडिशा में 37.64% वोटिंग अब तक हुई है। पंजाब में 37% से ज्यादा वोटिंग। उत्तर प्रदेश में 39% से ज्यादा वोटिंग। पश्चिम बंगाल में 40% से ज्यादा वोटिंग अब तक हुई है। ये एक बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है। और आज है बड़ा दिन। तो लगातार इस तरीके से बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ हम आप तक हर बार इलेक्शन अपडेट पहुंचाते हैं। और अब आपको नजर आ रही है मेरी सहयोगी अपर्णा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो अपर्णा, अब इलेक्शन भी लगातार चल रहा है, 5 बजे का इंतजार भी सबको है, और इन सब के बीच हम इलेक्शन अपडेट भी सब जो दर्शक है उन तक पहुंचा रहे हैं। अपर्णा, बिल्कुल अरे ठीक कहा आपने। और हमारी जो टेलीस्क्रीन है उसको देखकर भी तमाम अलग अलग तरह की जानकारियां अपडेट जो दर्शक हैं वो हासिल कर सकते हो। लेकिन आगे हम इस अपडेट देने का सिलसिला को बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके क्षेत्र में आज पोलिंग हो रही है तो जरूर अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आप पोलिंग स्टेशन तक पहुंचिए, अपना वोट जरूर दीजिए। और हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आखिरी दौर की ये जंग है, जनता किसके संग है वो लगातार यहां पर तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 4 तारीख को तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसने किसको साथ दिया है, किसने किसको जीत के तराजू पर ऊपर पहुंचाया है। ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख पा रहे हैं 7वें चरण की वोटिंग में क्या आम क्या खास, कौन कौन पहुंचा है मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, अलग अलग विंडो के जरिए वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ललित, बिल्कुल, और अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और क्या हाल है। ये और तस्वीरें देख लीजिए, कंगना रनौत, बहुत दिलचस्प फाइट है यहां की भी, मिथुन चक्रवर्ती, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, जीतन राम मांझी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, तमाम दिग्गज आज। और जैसा कि अपर्णा ने जिक्र भी किया, आखिरी चरण की जंग, जनता किसके संग। ये और 5 तस्वीरें देख लीजिए, जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे वोट कास्ट करने के लिए, योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के, अफजाल अंसारी भी पहुंचे हुए थे वोट कास्ट करने के लिए, हरभजन सिंह पहुंचे, नासिर पहुंचे, हरभजन सिंह ने कहा सबको वोट डालना चाहिए, लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी है। तो 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव आज मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन, अनुप्रिया पटेल को आप देख रहे हैं, तरणजीत सिंह सद्धू, ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे की किस्मत दांव पर लगी है, संजय टंडन और सुखजिंदर सिंह रंधावा यहां पर अपनी उंगली पर लगे स्याही को दिखाते हुए कि मैंने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, आप भी जरूर पहुंचिए। तमाम वीवीआईपीज की किस्मत जो दांव पर लगी हुई है उन पर भी हम बात करेंगे, हाई प्रोफाइल सीट्स कौन सी है उन पर भी बात करेंगे, और वैसे भी जो मतदाता है उनका उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है पोलिंग स्टेशंस पर वो भी जानेंगे ग्राउंड पर डटे हमारे सहयोगियों से और अलग अलग तस्वीरों के जरिए। देखिए नरेंद्र मोदी जो लगातार ध्यान साधना कर रहे हैं, उनकी ध्यान साधना से जुड़ी हुई तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं वो भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार ये अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ ध्यान चल रहा है और दूसरी तरफ अपने अपनी जिम्मेदारी, अपना अपने हिस्से का काम चल रहा है। और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं रजनीश कुमार, आपको नजर आ रहे होंगे पटना साहिब से, हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? The cat sat on the mat.
आप बिल्कुल देखिए, पटना साहिब में इस वक्त हम मौजूद हैं और पटना साहिब हॉट सीट माना जा रहा है, जहां पर सिटिंग सांसद रविशंकर प्रसाद और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत के बीच सीधा मुकाबला है, जो इंडी गठबंधन से हैं अंशुल अभिजीत, और लगातार जो वोटर्स हैं उनका उत्साह भी हम दिखा पा रहे हैं। दोपहर का वक्त है, लेकिन गर्मी की परवाह किए बगैर जो धूप है उसको मात देते हुए जो वोटर्स हैं बूथों तक आ रहे हैं, हर वर्ग के जो वोटर्स हैं, बुजुर्ग हों, महिला हों, युवा मतदाता हों, देखिए किस प्रकार से बूथ तक पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2019 की तुलना में अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी इजाफा हुआ है। दोपहर एक बजे तक पटना साहिब में 29.22% जो है वोटिंग हुई है। हालांकि ये बहुत बेहतर वोटिंग नहीं है, बावजूद 2019 के मुकाबले 24 में वोटिंग परसेंटेज बढ़िया है। 8 सीटों पर मुकाबला चल रहा है, 8 सीटों पर मतदान है, और आज देख सकते हैं कि अंत भला तो सब भला, अंतिम फेज है आज, और जनता जो है खुलकर आज वोटिंग करती नजर आ रही है। कुछ वोटर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं, उत्साह ज्यादा होगा आज, अंतिम फेज है, ज्यादा है। क्या रहेगा मुद्दा? मुद्दा रहेगा कि महंगाई कम हो। अच्छा, और जो बेचारे फुटपाथ पर वाले हैं उनको दुकान मिलना चाहिए, बेकारी दूर हो, महंगाई दूर हो, उम्मीदें परवान पर, परवान पर। देखिए ये वोटर्स हैं, कुछ युवा वोटर्स हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। आप लोग युवा हैं, क्या मुद्दा रहेगा? नौकरी मिलना चाहिए नौजवानों को, जो बाहर जो जाते हैं वो कम हो, मतलब पलायन रुके, राइट, वो उसमें इजाफा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो अलग अलग सोच है वोटर्स की। और देखिए भुवनेश्वर से आप आए हैं? उड़ीसा से आए हैं वोट देने के लिए, वोटिंग करने के लिए। क्या बात है, जरा आप वोटिंग करने के बाद बाहर निकलेंगे तो उंगली की जो स्याही है उसको भी आप दिखा देंगे। ये देखिए, ये जागरूक वोटर हैं, भुवनेश्वर में रहते हैं लेकिन वोटिंग करने के लिए बिहार पहुंचे हैं, और ऐसे ही कई वोटर हैं। आधी आबादी की बात देखिए आप, किस प्रकार से धूप में घरों से निकल कर वोटिंग करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच रही हैं, और सुखद तस्वीर, लोकतंत्र का महापर्व है। कुछ महिला वोटर्स हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि धूप है, गर्मी है? गर्मी भी है, लेकिन वोटिंग करनी है? बिल्कुल आए हैं, क्योंकि माई वोट माई राइट। लाइन में भी हैं आप? जी। माई वोट माई राइट। ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतांत्रिक अधिकार है, इस अधिकार से हर कोई वाकिफ है। यही वजह है कि जिला प्रशासन हो, निर्वाचन विभाग हो, सभी ने जागरूकता अभियान चलाया था स्वीप के माध्यम से, और जो वोटर्स हैं काफी जागरूक हैं। हालांकि पटना साहिब का परसेंटेज कम है, उम्मीद यही है कि न्यूज 18 के जरिए जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं, जो वोटर्स के रूप में देख रहे हैं, वो अभी तक अगर वोट करने नहीं निकले हैं तो ये मौका 5 साल के बाद मिलने वाला है। 5 साल में मात्र 5 मिनट आपको देना है और वोट पर चोट करनी है, और अगर आप वोट करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य जो है वो उज्जवल होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जो महापर्व है ये 5 साल पर आता है। लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं अपर्णा आपको, ये पटना की तस्वीर है, राजधानी की, और पटना में किस प्रकार से जो वोटर्स हैं वो खुलकर वोटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आधी आबादी हो, युवा। लिहाज से ये तस्वीर बहुत सुखद है कि यहाँ पर देखिए गर्मी भले ही बहुत ज्यादा हो लेकिन यहाँ पर मतदाता पहुंचे हुए हैं, खासकर बिहार की जनता तो अपने राजनीतिक ज्ञान के लिए हर जगह ही विख्यात है, और ऐसे में यहाँ मतदाता जागरूक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कुछ और वोटर्स से अगर संभव हो पाएगा आपका बात कर पाना, क्योंकि जिस तरह से बिहार में सियासी उलटफेर बहुत देखने को मिला है लगातार, तो ऐसे में मुद्दे चुनने में वो लगातार सजग रहे या फिर आखिरी दौर में डिसाइसिव फैक्टर रहे कुछ मुद्दे? बिल्कुल, काफी अच्छा सवाल है। बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि बिहार की मिट्टी में राजनीति जो है एक तरह से कूट कूट कर भरी होती है। कुछ और वोटर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि मुद्दा बहुत सारे होंगे लेकिन किन मुद्दों को लेकर आप खासकर वोट कर रहे हैं? ज्यादा सुरक्षा के स्थिति में है, विकास के लिए, महिला सुरक्षा, पुरुष सुरक्षा, हाँ, सब टोटल का सुरक्षा, क्योंकि ज्यादा इधर पहले बहुत ज्यादा क्राइम हो जाता था लेकिन अभी तो है ठीक ठाक। बहुत उरन खटोला भी दौरा है नेताओं सबका? हाँ बहुत दौरा है, लेकिन जिसके नसीब में है जो वही होगा, वही होगा। जैसे उड़न खटोला दौड़ने से कोई लाभ नहीं होता है, जो सुरक्षा प्रदान करेगा उसी को। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ और महिला वोटर्स हैं, उनकी तरफ हम जा रहे हैं। देखिए पंखे लगे हुए हैं, पंडाल है, और धूप में जो मतदाता है उनको परेशानी ना हो इसको लेकर खासकर यूथ वोटर जो हैं, फर्स्ट टाइम वोटर कौन है, आप लोग हैं पहली बार वोटिंग करने आई है? देखिए पहली बार वोटिंग करने आई है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। पहली बार
स्याही की निशानी आप दिखाएंगे? क्यों नहीं क्यों नहीं, आपने मतपेटी का तो दौर नहीं देखा, ईवीएम का दौर आप देख रही है। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, क्या मुद्दा होगा आपका? क्या सोच कर वोट कर रही है? कुछ तो सोची होंगे ना? कुछ नहीं, जो हमारे लिए अच्छा हो बस इसीलिए है, और क्या। अच्छा, अभी तक तो कुछ अच्छा नहीं दिखा है। अच्छा नहीं दिखा है, अच्छा दिखेगा ये उम्मीद है। बिल्कुल। क्या उम्मीद कर रही है, कुछ अच्छा होगा? मत कुछ पूछिए। चलिए, ये महिला वोटर्स हैं और देखिए किस प्रकार से घरों से बाहर निकल रही है, वोटिंग कर रही है। लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग बूथ की तस्वीर है ये, 302 से 319 जो है ये यहाँ पर जो है बूथ संख्या, और अलग अलग जो वोटर्स हैं वो बांकीपुर विधानसभा कहलाता है जो पटना साहिब में है, और पटना साहिब में एक तरह से हॉट सीट माना जा रहा है सिटिंग सांसद रविशंकर प्रसाद के साथ साथ। पिछली बार 3 लाख के आसपास वोटों का अंतर रहा था, और इस बार भी अंतर को बढ़ाने के लिए जीत है या फिर मुद्दों के आधार पर जीत होती है, आगे देखना दिलचस्प रहेगा। रजनीश, लौटेंगे आपके पास, लेकिन चंदौली का भी रुक कर लेते हैं। ललित, वहां से नितिन गोस्वामी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ललित। हाँ बिल्कुल, और मेरा ख्याल है नितिन एकदम तैयार हो रहे हैं। हाँ, वो फ्रेम में भी अब नजर आ रहे हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त तक आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि 1 बजे तक 42% मतदान हुआ है। यह चंदौली लोकसभा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वांचल का बड़ा नाम और भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी है। आपको बता दें 18,41,000 वोटर यहां 10 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे, और इस समय हमारी मौजूदगी सैयद राजा के एक बूथ पर है जहां पर गर्मी की वजह से अभी तो वोटर्स नहीं दिख रहे, लेकिन सुबह से यहां भारी भीड़ जरूर देखी जा रही थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। वोट दिया आपने? अभी देने जा रहे हैं। देने जा रहे हैं, आप युवा हैं, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं और क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो सब जो गवर्नमेंट है अभी वो सब जो कर रही है वो अच्छा ही कर रही है, हम लोग के विकास में ही कर रही है, युवाओं के विकास में ही, तो उसी को कैरी ऑन करेंगे आगे। आपका क्या शुभ नाम है? मिक्की जायसवाल। मिक्की, यहाँ वोट देने आए हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या है सोच आपकी, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? जिस तरह विकास होते हुए आ रहा है, मैं चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह विकास चलता रहे, जो भी चीज़ जीरो लेवल से होकर हाई लेवल तक जा रही है वो चले। और हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, आप वोटर हैं, पहली बार वोट करेंगे? वोट। क्या नाम है आपका? पिंटू केसरी। पिंटू, आप पहली बार वोट कर रहे हैं, क्या है, युवा हैं, बेरोजगारी, महंगाई, कोई मुद्दा है आपकी नज़र में? बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई तो ऐसे तो है, लेकिन इसके वजह से विकास भी काफ़ी देखा जा रहा है। विकास को देखते हुए कोई ज़्यादा महंगाई नहीं है, ऐसे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोगों के शहीद राजा में। तो ये लोग हैं, ये वोटर्स हैं जो वोट देने जा रहे हैं, आपको बता दें इनके अपने अपने मुद्दे हैं, युवा हैं, और जरूर बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा जरूर मानना है, लेकिन सरकार के द्वारा काम को लेकर के इनके मिक्स रिएक्शन यहाँ जरूर देखने को मिल रहे हैं। जी, चंदौली की स्थिति लगातार आप बता रहे हैं। नितिन, एक बात और है कि एनडीए ने, भाजपा तो नहीं कहेंगे, एनडीए ने जिस तरीके से कास्ट फैक्टर को यहाँ पर एक तरह से साधा है, एक अपर एज माइलेज लेती हुई वो नजर आ रही है। आज जब वोटर पहुंच रहा है, जैसे अभी आपने कुछ वोटर्स से बात की, महंगाई की बात, एक बड़ी समस्या सिंचाई की भी इस पूरे इलाके में, इस पूरे लोकसभा में रही है। नितिन, उसको लेकर भी कोई चर्चा करता है या सिर्फ बातें हैं, बयान है? नितिन, नहीं देखिए, ये इलाका जो है चंदौली, इसे धान का कटोरा भी कहते हैं, उन्नत धान की पैदावार है, और पंडित कमलापति त्रिपाठी ने यहाँ नहर का एक जाल बिछाया था। ये पंडित कमलापति त्रिपाठी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, बाद में रेल मंत्री हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, तो राजनैतिक दृष्टिकोण से भी ये जिला बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि वर्तमान में जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो भी इस जिले से आते हैं, और वर्तमान में जो सांसद हैं महेंद्र नाथ पांडे, वो भारी उद्योग मंत्री हैं, तो पॉलिटिकली भी ये जिला काफी रिच माना जाता है, और धान के कटोरे में मतलब किसानों के लिए भी ये जिला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उन्नत किस्म की धान होती है, और यहाँ की जो काला चावल, जो ब्लैक राइस है, उसने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाई हुई थी एक समय। तो निश्चित तौर पे यहाँ मुद्दे जरूर हैं, किसानों के मुद्दे हैं, और बेरोजगारी की बात यहाँ लोग कर रहे हैं, महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन जो आप कास्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं, वो इसलिए महत्वपूर्ण यहाँ हो जाता है क्योंकि जो गैर यादव ओबीसी कास्ट है, जो गैर यादव ओबीसी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता हुआ जरूर देखा जा रहा है। हालांकि मौर्या, पाल,
पासवान, ये वोटर्स जो हैं अभी अभी जो इंडी गठबंधन है उनके झांसे में जरूर आए हैं। इस तरीके की बात जब हम एक और बात यहीं पर आपने विपक्षी गठबंधन का जिक्र किया, वही मैं विपक्ष के उम्मीदवार पर ही आ रही थी। घाट घाट का पानी पिया हुआ है, कांग्रेस एसपी बीएसपी तीनों से ही राजनीति की हुई है, उनको लेकर किस तरह से उन्होंने जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगा, उस अपील का एक वो बात। और दूसरा चंदौली की बात आपने कही कि मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन चंदौली की जनता है जो वो अपने क्षेत्र के विकास की तुलना जब आसपास के क्षेत्रों से करती है तो अक्सर निराश नजर आती है। नहीं, इसलिए भी निराश नजर आती है पढ़ना, आपको बता दें कि ये पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो विकास की जब तुलना होती है तो आम तौर पे कम जरूर है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर काम हुए हैं और वही यही वजह है कि ज़्यादातर वोटर्स जो यहाँ हैं वो निश्चित तौर पे ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने काम किया है। आपकी बात, दूसरा एक सवाल आपका ये था कि जो गैर, मतलब हमारा आप ये कहने का मतलब है कि राजनीतिक जातिगत आधार पर इंडी गठबंधन ने भी यहाँ पर अच्छी चाल चली है क्षत्रिय मतदाताओं को लुभाने के लिए। वीरेंद्र सिंह जो कि बनारस के रहने वाले हैं, अजगरा विधानसभा जो लोकसभा चंदौली ही आती है वहाँ के रहने वाले हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया, तो क्षत्रिय मतदाताओं में सेंधमारी की का प्रयास ये जरूर कहा जा सकता है और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी होते दिखे। हालांकि जब यहाँ बड़े बड़े नेताओं की, अभी राजनाथ सिंह ने आके अपील की, यहाँ पर क्षत्रिय नेता माने जाते हैं उनका गृह जनपद है, तो उन्होंने जब अपने कास्ट ग्रुप पर आकर अपील की तो उसका असर जरूर देखने को मिला है। लेकिन ये 4 तारीख को ही तय होगा जब ईवीएम से रिजल्ट आएगा, अभी तो सब कयास है, 4 तारीख को जब ईवीएम से रिजल्ट आएगा तभी ये तय हो पाएगा कि यहाँ से कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये बात सही है, 4 तारीख का इंतजार सभी को है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन, आपका भी तमाम अपडेट्स के लिए, रंजीश आपका भी, और इस भीषण गर्मी में लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो भी तैनात हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इन सब के बीच अलग अलग जगहों से आती चुनावी तस्वीरें। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार वोट कास्ट करने पहुंचे, सीएम हिमाचल सुक्खू वो मतदान करने पहुंचे, आयुष्मान खुराना टीएमसी की नेता भी मतदान करने के लिए पहुंची, नुसरत जहां, दिनेश लाल यादव, कंगना रनौत, काजल निषाद सपा की प्रत्याशी हैं, रामकृपाल यादव, जीतन राम मांझी भी आपको नजर आ रहे हैं, HAM ये इनकी पार्टी का नाम है, हम, तेजस्वी यादव पहुंचे, सुनील जाखड़ पहुंचे, अभिषेक बनर्जी, प्रताप सारंगी, लालू प्रसाद यादव, बहुत फोकस उन्होंने इस बार रखा है चुनाव पर, राबड़ी देवी, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, ये जो तमाम दिग्गज हैं एक स्क्रीन पर देख लीजिए, सबसे बड़े नेटवर्क पर एक स्क्रीन पर तमाम दिग्गज एक साथ।